ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इंडियन पिनल कोड, शायद इसमें कुछ मिल जाए। पीकर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, जैसे कि मुझे नहीं पता। पीने वाले को 4 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ हो सकती है। ओ गॉड, जुर्माना तो ठीक था, लेकिन सजा, कोई और रास्ता होगा? क्या देख रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं मुझसे? तुमसे मतलब? ओ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं समझ गई, सॉरी मैं। हे, रिलैक्स, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और मैं वैसे साइड से नहीं देखता, समझी तुम? ये देख रहा था मैं, समझी तुम? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के बारे में क्यों पढ़ना है? इतनी बड़ी झूठी हो तुम। अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी नजर कमजोर है ना? अरे नजर कमजोर है इसीलिए तो चश्मा पहनती हो। जिसे चश्मों के बिना इंसान नजर नहीं आता, वो इतनी दूर से इतनी छोटी चीज कैसे पढ़ सकती है? ओ, मैं समझ गया, तुम्हें चश्मा अपना जादू बढ़ाने के लिए पहनती हो ना? जादू? आंखों का जादू। ऐसे घूर क्या रही हो तुम? हाँ, जिसे जादू का पता होता है ना, उस पर ये जादू असर नहीं करता है, समझी तुम? क्या बकवास किए जा रहे हैं? दिमाग तनु के घर पे छोड़ के आए हैं? दिल छोड़ कर आए हो तनु के पास? दिमाग तो यही रखना पड़ता है ना, तुम पर लगाने की जरूरत जो पड़ती है, और यही दिमाग लगा के मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चला है। अब तुम्हारा ये राज मेरा हमराज बन चुका है। वैसे अरे मेरी किताबें क्यों फेंक रहे आप? यही पढ़कर तुम अपना जादू चलाती हो ना? पहले पूरब, फिर दादी, और उसके बाद मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की थी ना तुमने? उसकी जरूरत कहाँ? खराब करने के लिए दिमाग होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, प्लीज बताइए आप ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किसमें? ड्रिंकिंग में या ड्राइविंग में? भगवान की दया से ड्रिंकिंग और ड्राइविंग में तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ नॉलेज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर पीकर किसको उड़ाना हो तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। ओह नो यार, अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं एक काम कैसे करूंगा? मुझे पीकर तुम्हें ही तो उड़ाना था। चलो कोई बात नहीं, अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो तो ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, है ना? तो सजा भी अकेले ही भुगतना। अगर सजा पाके मुझे तुमसे छुटकारा मिलता है ना, तो मुझे हर सजा मंजूर है, ये भी। तो देर क्यों कर रहे? जाइए ना, बनाइए मेरे मर्डर का प्लान। अरे वही तो बना रहा था, लेकिन तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अब बनाऊंगा, फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा, ताकि तुम बच ना पाओ। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे बालकनी में जा रहा हूँ, कहीं तुम्हारे सामने ये प्लान लीक ना हो जाए। टॉप सीक्रेट प्लान है, और तुम्हें जिंदा रखने का रिस्क भी तो नहीं ले सकता ना। खलास। ए, खलास। आज हो क्या गया इन्हें? पता नहीं। अब मैं कौन सा जादू करती हूँ आंखों से? चश्मा उतार कर देखती हूँ। जाकर चेंज कर लेती जाने के लिए। आप तो खुद गए थे, आपको प्लानिंग करनी थी, और तुमने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया ना, ये बारिश करवा के। मैंने बारिश कैसे करवा सकती हूँ? अपने जादू से, और तुमने जानबूझ के करवाया कि मैं और लैपटॉप जिसमें प्लान है तुम्हें मारने का, वो फीक गया है। दीजिए, करती हूँ मैं कुछ। क्या करोगी तुम? इसे कपड़ों की तरह टांग कर सुखाओगी या निचोड़ोगी? ओ वैसे तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, तुम इसे गैस पर सेक भी सकती हो, ताकि मेरा ये लैपटॉप फट जाए, है ना? दीजिए।
इतना संभाल के, वो मेरा पर्सनल लैपटॉप है। एक सेकेंड। सीरियल से सीखा ये सब कुछ? सुपर, अब ठीक है। अब आप जाके गीले कपड़े बदलेंगे या आपको भी? इसकी क्या जरूरत है, सीधा आयन लेके प्रेस क्यों नहीं कर देती? जाइए कपड़े बदलिए। अच्छा होता कि प्रेस ही कर देती, कम से कम बार बार कपड़े तो नहीं उतारते ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ऐसे कपड़े पहनती क्यों है जो गले में अटक जाए? तुम भी तो ऐसे गले पड़ी हो ना जो उतरने का नाम नहीं ले रही, देख कर रही हो, हेल्प करो। मैं ठीक है। कहाँ है आप? तुम कहो। हाँ, मिल गया मिल गया। अरे खींचो। हाँ खींच क्यों नहीं रही, खींचो। देखिए, शराब तो मैं लेकर आऊंगी नहीं ना, कॉफी ये पी लीजिए वरना जुकाम हो जाए। क्यों करती हो ये सब, क्यों इतना कंसर्न दिखाती हो, लगता क्यों मैं तुम्हारा टॉर्चर? और आपके लिए नहीं कर रही, मैं अपने लिए कर रही। अगर आपको सर्दी हो जाएगी, आप छींकने लगेंगे, आपसे मुझे जुकाम लग जाएगा, फिर मैं आपको गर्म पानी दूंगी लेकिन उस पे आप मुझे गुस्सा करेंगे, फिर मुझे टॉर्चर करेंगे, उस टॉर्चर से बचने के। टाइटैनिक बंद कर दो। नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है मेरे बेड पर एक साइड पर सो सकती हूं। नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। वो क्या है, रात को जब मैं वॉशरूम जाऊंगा मैं तुमसे टकरा कर अपना सिर नहीं फोड़ना चाहता। अंडरस्टैंड? अपना पूरा बिस्तर बांध लो। ये क्या कर रहे हो? बॉर्डर बना रहा हूँ, बॉर्डर के इस तरफ मेरी जगह और बॉर्डर के उस तरफ अनवांटेड लोगों की जगह, यानी कि तुम्हारी जगह। और हाँ, गलती से भी बॉर्डर के इस तरफ मत आना वरना ऐसा पंच दूंगा ना। मुझे मरने का शौक नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, सो जाइए। वैसे तुम ऐसे मूर्ति की तरह बैठी क्यों हो, सो जाओ ना। लाइट मत ऑफ कीजिए। क्यों? मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। और मुझे लाइट में नींद नहीं आती। आप चादर से मुंह ढक कर सो जाइए ना। तुम मुझे मेरे ही कमरे में। वैसे एक बात बताओ, जब तुम बालकनी में से होती हो तब क्या करती हो? वहां पर तो लाइट भी नहीं। वो एक होर्डिंग है ना बाहर, उसकी लाइट के सहारे सो जाती थी। तुम हो क्या चीज, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बारिश करवाई, होर्डिंग से लाइट लेती हो, तुम्हारे साथ सोने में मुझे डर तो नहीं लगना चाहिए ना? वैसे एक चीज मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, डर ना मुझे भी लगता है। ट्रेन में पैदा हुई थी क्या? तो सोते वक्त क्यों हिल रही हो? बाकी यात्री भी सो रहे हैं, चुपचाप सो जाओ।